मैं कांग्रेस के लोगों से विशेष रूप से पूछना चाहता हूं, जो माइनॉरिटी के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं, क्या कांग्रेस को 84 के दिल्ली के दंगे याद है? क्या माइनॉरिटी के साथ, क्या वो माइनॉरिटी नहीं थी? वो माइनॉरिटी थी कहीं था? क्या आप उन लोगों के, हमारे सिख भाइयों के गले में टायर बांध बांध करके उनको जला दिया था? इतना ही नहीं, सिख दंगों के आरोपियों को जेल में तक भेजने का काम आपने किया नहीं। इतना ही नहीं, आप जिन पर आरोप लगे हुए हैं, सिख दंगों को भड़काने के जिन पर आरोप लगे हैं, उनको आज मुख्यमंत्री बना देते हो। सिख दंगों को आरोपियों को सजा दिलाने में उन हमारी विधवा माताओं को तीन दशक तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़ा, क्या वो माइनॉरिटी नहीं थी? क्या माइनॉरिटी के लिए दो तराजू होंगे? क्या यही आपके तरीके होंगे? माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी जिसने इतने सालों तक देश में राज किया, आज वो देश का दुर्भाग्य है कि जिसके पास एक जिम्मेवार विपक्ष के रूप में देश को अपेक्षाएं थी, वो आज गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। ये रास्ता आपको भी मुसीबत पैदा करने वाला है, देश को भी संकट में डालने वाला है, और ये चेतावनी मैं इसलिए दे रहा हूं, हम सबको देश की चिंता होनी चाहिए, देश के उज्जवल भविष्य की चिंता होनी चाहिए। आप सोचिए, अगर राजस्थान की विधानसभा कोई निर्णय करे, कोई व्यवस्था खड़ी करे, और राजस्थान में वो कोई मानने को तैयार ना हो, जलसे जुलूस निकाले, हिंसा करे, आगजनी लगाए, आपकी सरकार है, क्या स्थिति बनेगी? मध्य प्रदेश, आप वहां बैठे हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा कोई निर्णय करे और वहां की जनता उसके खिलाफ इसी प्रकार से निकल पड़े, क्या देश ऐसे चल सकता है? क्या एनआरसी का रास्ता? और इसलिए आपने बहुत कुछ किया है, आपने इतना गलत किया है, इसलिए तो वहां बैठना पड़ा है। ये आपके कारनामों का ही परिणाम है कि जनता ने आपको वहां बिठाया है, और इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से देश में हर एक को अपनी बात बताने का हक है, लेकिन झूठ और अफवाहें फैला करके, लोगों को गुमराह करके, हम कोई देश का भला नहीं कर पाएंगे।